स्टार्ट करें आज? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल शीट दिख रही है सबको? जी सर, दिख रही है। हाँ जी, अभी हम कुछ टॉपिक हैं जो वैसे तो स्मॉल हैं बट उनका कुछ यूज है, तो अभी वो हम कवर करते हैं। हम लास्ट रखेंगे, एक तो फॉर्मूला के लिए रखेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, और उसके बाद जो ये जो डेटा वाला है ऑप्शन, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सर, आज क्या करेंगे? तो जैसे हमने ये होम वाला फंक्शन कर लिया था, ये होम वाला, और उसके बाद हम एक तो ये इंसर्ट है ये कंप्लीट करेंगे। इंसर्ट वाले फंक्शन में हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था पिवोट टेबल, वो हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद ये कुछ छोटे ऑप्शन है, कुछ ज़्यादा यूज़फुल वाले नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद एक रिव्यू वाला ऑप्शन है लास्ट में, आप देख सकते हैं उसमें कुछ फंक्शंस हैं, और उसके बाद लास्ट में है व्यू। तो हम ट्राई करेंगे आज ये तीनों कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कल से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो हम चलो इससे स्टार्ट करते हैं, व्यू से स्टार्ट करते हैं। व्यू में देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका, ये नॉर्मल में आ रहा है। तो नॉर्मल का मतलब ये है कि आपका अगर कोई भी पेज ब्रेक में अगर हो, वन सेकेंड, ये देखिए हमने जैसे ही पेज ब्रेक प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखा दिया इसने। तो ये हम जब प्रिंट वाला जब पढ़ेंगे ना, यहाँ पर ये जो पेज लेआउट वाला हम देखेंगे कि हम अगर प्रिंट करते हैं तो हम पेज लेआउट को कैसे सेटिंग करेंगे, उस टाइम इसको कवर करेंगे। तो इसमें ये जो पेज ब्रेक हो गया, पेज लेआउट हो गया, कस्टम व्यूज हो गया, ये तीनों हम उस टाइम कवर करेंगे। नॉर्मल व्यू में ये कि अगर इन तीनों में वो हो, और अगर नॉर्मल माना चाहें तो नॉर्मल में आ गए, बस इनका यही यूज है। फिर लास्ट ऑप्शन आ रहा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है ग्रिड लाइन। अब जैसे ही हम ग्रिड लाइन को अनचेक करते हैं, ये देखिए इसमें जितनी भी लाइन्स हैं सब गायब हो गई। अब ग्रिड लाइन को हमको फिर से अगर लाना है तो हमको ग्रिड लाइन पे हम क्लिक कर देंगे, ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अब फॉर्मूला बार, ये जैसे फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार को अगर हम हाइड करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला बार ही हट जाएगी। फॉर्मूला बार का क्या मीन्स है कि अगर कोई भी हम फॉर्मूला देखें, अगर हम फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा है ना, एस यू एम ब्रैकेट स्टार्ट। अगर हम जैसे ही फॉर्मूला बार अगर हम हटाएंगे, फॉर्मूला बार अगर हमने हटा दिया तो ये कुछ भी शो नहीं हो रहा यहाँ पर, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, तो बस ये फॉर्मूला बार हटाने के लिए, बट आप हटाओ मत, इसको हमेशा ऑन रखो। उसके बाद ये हेडिंग के लिए, हेडिंग में जैसे आपका एक कॉलम का जो नेम आ रहा है ए बी सी डी ई एफ, या रो का जो नेम आ रहा है 1 2 3 4, ये सारा हट जाएगा आपका, तो ये भी कोई मतलब नहीं बनता, आपको हमेशा रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है जूम वाला ऑप्शन। तो जूम में तो हम ये कि इसको हम जूम कर सकते हैं जैसे हमारे रिक्वायरमेंट हो, हम कर्सर से भी कर सकते हैं, मीन्स कि माउस से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जा सकते हैं अगर हमको जूम करना है, कितना परसेंट जूम करना है, 100% रखना है या 75% रखना है, या हमको 25% रखना है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट अगर हम 100 पे आना है तो हम डायरेक्ट 100 पे कर देंगे। या एक ऑप्शन इसमें ये है कि जहाँ पर हमारा कर्सर है, जैसे हम किसी को कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि हमको हरिद्वार पर आना है, हरिद्वार पर, ठीक है, तो अगर हम इस पर लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए सिलेक्शन पे जाएंगे तो डायरेक्ट हरिद्वार पे ले आएगा जहाँ पर कर्सर है हमारा, यहाँ पर हमारा कर्सर था ना, अच्छा सर, हाँ, तो यहाँ पर ले आएगा वो। जूम पे 100% करेंगे तो वापस ये नॉर्मल पे चला जाएगा। अभी इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा सर, ये यूज़ करने के लिए व्यू टैब चूज करनी पड़ती है ना? व्यू है जी, व्यू टैब यूज़ करनी पड़ती है। हाँ, इसमें व्यू में आना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्री स्पैन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री स्पैन में देखिए
हम फ्रीज पैन में आते हैं, जैसे अब सैंपल फाइल में आए। अब सैंपल फाइल में आए तो ये देखिए इसमें हेडिंग दिख रही है आपको, सीरियल नंबर, कोड नंबर, एरिया और अमाउंट। जैसे ही हम ये नीचे करते हैं ये हट गया, ऊपर चला गया है। अगर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो हमको ये नहीं पता ये कोड नंबर है, ये हो, क्योंकि ये हो सकता है ना कि टेबल बहुत लंबी हो, बहुत बड़ी टेबल हो, तो हमको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम कौन से टेबल में काम कर रहे हैं। हमको फिर ऊपर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छा ये अमाउंट वाला था, फिर नीचे आएंगे, फिर ये देखेंगे ऊपर, ऊपर चलेंगे नहीं नहीं ये तो एरिया वाला था। तो इसमें भी जैसे अगर हम, जैसे ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहाँ पर बहुत लंबी टेबल है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमको कन्फ्यूजन हो गया कि 1 नंबर कौन सा है, 5 नंबर कौन सा है, 6 नंबर कौन सा है, हमको फिर से इधर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज कर सकते हैं इसको। अब फ्रीज करने के लिए देखो हमारे पास एक तो है फ्रीज टॉप रो, हम इस रो को फ्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया फ्रीज टॉप रो, ये फ्रीज, ये जो रो है देखिए फ्रीज हो गई। हम जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये फ्रीज हो चुकी है। सर फ्रीज होने पे हम सेलेक्ट भी नहीं कर सकते क्या इसको? देखो फ्रीज करने पे सेलेक्ट तो हम कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ, बट ये कि हमारे लिए देखिए वर्क करना ईजी हो गया। हम जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमको पता है, अब जैसे हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हमको पता है कि अमाउंट है, ये एरिया है, ये कोड नंबर है, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। इसको अगर हटाना है तो अनफ्रीज कर देंगे, यहाँ से अनफ्रीज, यहाँ से अनफ्रीज होंगे, वापिस नॉर्मल पे आ गया। अगर हमको कॉलम करना है, जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज करना है, तो फर्स्ट कॉलम पे फ्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इस एक्चुअल में हमको अब इधर आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमको इधर आना पड़ गया, अब देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फ्रीज हो चुका है, तो हमारे लिए भी ईजी हो गया वर्क करना। अब मान लो हम यहाँ पर अगर वर्क कर रहे हैं तो हमको अब पता है कि ये जो अमाउंट है ये सीरियल नंबर 4 का है। हम फिर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, नॉर्मल में आ गए। या फिर अगर हम बोलें कि नहीं हमको यहाँ नहीं जाना है, तो हमको बस ये फर्स्ट नहीं रखना, ये मान लो ऐसे होता, ये टेबल ऐसी होती है, मान लो यहाँ पर स्पेस होता ऊपर, ठीक है। अगर हम इसमें ऑप्शन में जाते टॉप रो, तो हमारे तो टॉप रो ही होती ओनली फ्रीज, हमारे तो प्रॉब्लम वैसे की वैसी रहती, क्योंकि तो सारा फिर से गायब हो गया। तो अभी अनफ्रीज कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अगर हमको वो करना है, फ्रीज करना है। हमने यहाँ सेलेक्ट किया और फ्रीज पैन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको फ्रीज कर दिया। अब देखिए हमारा यहाँ से फ्रीज हो चुका है, मतलब हमको अगर जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे फ्रीज कर सकते हैं। हमको बस यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, या हमको लग रहा है कि हमको ये 7 नंबर के बाद फ्रीज करना है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ फ्रीज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रीज हो गया, हम इसको फिर से नॉर्मल ले आए, ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। अगर हमको इधर से सारा फ्रीज करना है तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया और ये फ्रीज कर दिया। अब देखिए बस ये फ्रीज हो गया, ये 3 कॉलम हमने फ्रीज किए थे ना, अब ये फ्रीज हो गया। तो इससे का क्या मतलब निकलता है कि जो फ्रीज टॉप रो, अगर हमको बस टॉप रो फ्रीज करनी है, या अगर हम फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है तब हम यहाँ पर जाएंगे। अगर हमको कस्टम फ्रीज करना है कि हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रीज हो, तो हमको बस सेलेक्ट करना है और फ्रीज कर देना है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम दोनों को फ्रीज करना चाहें, ये भी फ्रीज हो जाए और ये भी फ्रीज हो जाए, तो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फ्रीज कर देना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फ्रीज कर देना है। अब देखिए हमारा ऊपर वाला भी फ्रीज है और नीचे वाला भी फ्रीज है, दोनों फ्रीज हो गए ना हमारा। सेलेक्ट कंट्रोल दबाओगे? नहीं कंट्रोल नहीं दबाना, हमको बस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अनफ्रीज हो गया, फिर से फ्रीज करते हैं। अब फ्रीज करने के बाद देखिए हमारा फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो गया और फर्स्ट रो भी फ्रीज हो गए, दोनों साथ में फ्रीज हो गए, ठीक है, ईजी था ये। इसके बाद एक स्प्लिट का ऑप्शन आता है, पता नहीं क्या यूज़ है इसका, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे होता है, पता नहीं हो सकता आपके यूज़ होए। जैसे जैसे हम स्प्लिट पर करेंगे, ये देखिए विंडो स्प्लिट हो गई, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये विंडो स्प्लिट कर दी। अब इसका क्या यूज़ है पता नहीं,
अब जैसे हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, ये सभी में टाइप हो रहा है, तो इसका कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ये मैक्रो वाला एरिया है, ये हम जब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे आपको। अब नेक्स्ट हमारा है रिव्यू। अभी हम रिव्यू में आएंगे। रिव्यू में आने के लिए ये इसमें देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो है स्पेलिंग चेक। अगर हमको स्पेलिंग चेक करनी है, फॉर एग्जांपल हमने देखो हमने यहाँ लिखा है SMALU, तो इससे क्या स्पेलिंग बन सकती है ये अभी हमको सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये ABC में आए, ABC में आने के बाद देखिए ये हमको ऑप्शन दे रहा है कि ये पूछ रहा है कि क्या आप स्माइल लिखना चाह रहे थे, या पूछ रहे हैं आप सेल लिखना चाह रहे थे, या स्मॉल लिखना चाह रहे हैं। तो हम स्मॉल लिखना चाह रहे थे, तो स्मॉल लिखने के बाद हमको चेंज कर देंगे। तो स्मॉल वाले अगर हमको यहाँ भी चेंज करना है एक्चुअल में यहाँ करते हैं, जैसे हम स्मॉल की स्पेलिंग लिख रहे हैं अभी चेंज हो गया ऑटोमेटिक। इसको अगर हम वापस क्लिक करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे करते हैं, हमने स्माइल किया, तो स्माइल पे हम इसमें ABC में जाएंगे, स्पेलिंग पे जाएंगे, तो ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये बोले स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ये बोला है कि स्पेल चेक ओके है, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसमें स्पेलिंग अगर प्रॉब्लम कर दें और फिर से अगर जाएं तो हमसे फिर पूछ रहा है आपको स्माइल करना है, स्मॉल करना है, या बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, सिंपल करना है। तो जो स्पेलिंग हमको रखनी है हम इसमें क्लिक कर सकते हैं, ये चेंज कर दिया, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो इसका है वो इसकी डिक्शनरी ऑन कर देते हैं। जैसे स्मेल है, और जैसे ही हम इसमें जाएंगे ये इस हमको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि स्मेल को और क्या बोलते हैं, अरोमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, स्टेंच, रिक, फील, टेस्ट, शिप, सस्पेक्ट, बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं इसके। हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमको स्मेल नहीं लिखना, हमको अरोमा लिखना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर राइट क्लिक किया तो हमारे पास देखिए 3 ऑप्शन है, या तो हम इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट अरोमा। अब देखिए यहाँ पर अरोमा इंसर्ट हो गया, पहले स्मेल थी। अगर हम इसमें फिर से जाएंगे, हम बोले नहीं नहीं हमको परफ्यूम चाहिए, तो हमने परफ्यूम गए, राइट क्लिक किया। अब इंसर्ट पे हम पहले गए थे, अगर अब हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जहाँ पर हमको पेस्ट करना है तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। या एक ऑप्शन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, हमको इस पर क्लिक कर देना है और ड्रैग कर देना है। जैसे हमने ड्रैग किया देखिए ये स्पेलिंग ऑटोमेटिक आ गई। तो ये स्पेल चेक और जो डिक्शनरी है इसका मतलब ये है कि आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप जो भी वर्ड्स अगर आप टाइप करना चाह रहे हो तो उसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये भी सिंपल था, इसमें कोई कन्फ्यूजन था? नो सर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिव्यू में वो आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार की है, ये देखिए। इस टेबल में मैंने क्या लिखा है, इसमें मेरी टेबल में एक टेबल है, स्मॉल सी टेबल है। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो दिल्ली है इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है।
उस कलर कैसे चेंज किया मैंने, ये देखिए फ़ॉन्ट कलर मैंने चेंज कर दिया इसका, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं हम। यस सर बताओ सर। और उसके बाद हमने इसका जो ये थीम जो कलर है ये चेंज कर दिया है, ये ब्लैक कर दिया हमने। ठीक है, पहले नो फिल था बट हमने ये ब्लैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कमेंट इंसर्ट किया बट इसमें कुछ भी हमने रखा नहीं, कमेंट में कुछ नहीं डाला हमने। एक हमने टेबल इंसर्ट की, या एक टैग इंसर्ट किया हमने। उसके बाद हम क्या किया, हमने रिव्यू में गए, सॉरी हाँ रिव्यू में गए। ठीक है, रिव्यू में जाने के बाद ये देखिए, ये बोला है चेक एक्सेसिबिलिटी, तो हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। ये देखिए ये बहुत सारे एरर दिखा रहा है। अब एरर में देखिए ये थ्री टाइप के एरर दिखा रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि जो भी आपने ये जो इंसर्ट किया है इस पर आप टेक्स्ट इंसर्ट कीजिए पहले। ठीक है, अगर इसमें हम अगर टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आई थी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, बीच में कुछ अभी डिस्टरबेंस ही आई थी। अच्छा डिस्टरबेंस था। अब कमेंट में हम कुछ कोई भी कमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स हमने कमेंट इंसर्ट किया, उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। पहले हम इसका नेम चेंज करते हैं, इसके बाद हम जैसे हमने देखिए ये नेम चेंज किया, शीट वन यहाँ से गायब हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर जैसे शीट टू दिख रहा है। अब शीट टू का जैसे ही, शीट टू में क्या बता रहा है, डिफ़ॉल्ट शीट नेम, ये जो डिफ़ॉल्ट शीट नेम है ये गायब हो गया इसका, जो डिफ़ॉल्ट शीट नेम है ये कुछ नहीं आ रहा। तो ये बोला कि एरर है, आपको कुछ शीट नेम रखिए। तो हम जैसे हम शीट नेम रखते हैं, अब जैसे हमने शीट नेम रखा ये शीट टू गायब हो गया ऐसे। तो मतलब कि जो भी इसके एरर है वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको ओके कर रहे हैं। अब शीट थ्री बोल रहा है, शीट थ्री का भी नेम चेंज कर दीजिए, इसका कुछ भी नेम चेंज कर दिया हमने, ये भी एरर ख़त्म हो गया। उसके बाद शीट फोर का हमने कुछ भी रख दिया नेम, ये फाइव ख़त्म हो गया। उसके बाद शीट फाइव कर दिया, तो ये वाला एरर बिल्कुल चला गया है। उसके बाद ये बोल रहा है हार्ड टू रीड, रीड करने में बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये बोल रहा है कि ये जो आपने दिल्ली लिख रखा है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, इसको चेंज करो, या यहाँ पर जो भी कानपुर लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी रीड नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको नॉर्मल कर देंगे, इसका फॉन्ट है नॉर्मल कलर में कर देंगे, इसका देखिए फॉन्ट है, हम ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे ही हम ऑटोमेटिक करूँगा यहाँ से गायब हो जाएगा, ये जो वार्निंग है ये कम हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने ऑटोमेटिक किया ये वार्निंग ख़त्म हो गई। फिर ये बोला है B6 में जाइए, ये अमित वाला जो है ना, ये जो अमित यहाँ लिखा है ये शीट का नेम है, तो शीट के नेम में अमित वाले में B6 पे जाइए। तो बी और सिक्स, B6 ही है, तो B6 में ये बोल रहा है हार्ड टू रीड, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी हमने नो फिल कर दिया, तो ये भी गायब हो गया। सर एक क्वेश्चन करना था। हाँ जी सर, ये ब्लू कलर के बॉक्सेस आपने कैसे इंसर्ट किए इसमें? नहीं मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर आऊँगा, जब मैं इंसर्ट बताऊँगा ना, अभी मैं इंसर्ट बताऊँगा उसके बाद आऊँगा मैं। ओके,
उसके बाद हमारे पास ये बोला है मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है मिसिंग दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट इसमें कमेंट्स में कुछ इंसर्ट किया। तो जैसे हमने कमेंट में इंसर्ट किया और यहाँ पर कुछ इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर ये चेंज होने लगा। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। मेरी वॉइस नहीं आती थी, मेरी वॉइस गायब हो गई थी क्या बीच में? हाँ जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम सर, कोई नेटवर्क में जैसे इंटरफेरेंस कर रही हो आपकी स्पीकर के साथ ऐसे थी। चलिए अभी अभी क्लियर है ना वॉइस? हाँ जी। अब इसमें देखिए, मैंने जो जैसे ही मैंने कमेंट इंसर्ट किया इसमें देखिए बता रहा है कि मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट डालिए। तो मैं जैसे ही मैं इसमें टेक्स्ट डालता हूँ और हटाता हूँ इसको, और इसको मैं वो करता हूँ, हाइड करता हूँ। या फिर मैं इसको वो करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। मुझे लग रहा है कि फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको फिर से नई फाइल इंसर्ट करता हूँ। ये बार बार में हैंग भी हो रही है, मैं न्यू फाइल इंसर्ट कर रहा हूँ। सर आपके लैपटॉप के पास कोई फ़ोन तो नहीं रखा हुआ? फ़ोन तो नहीं रखा, मैंने चार्ज पे साइड में लगा रखा है कहीं। अच्छा, क्योंकि अगर फ़ोन पास होता है तो 2G लगाने पे इंटरफेयर करता है। मैं एक काम करता हूँ, फ़ोन उठा देता हूँ साइड से। हाँ, फिर नहीं आने की आवाज, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ना ये तो पहले। चलिए मैंने फ़ोन उठा दिया है। मैं नेक्स्ट फाइल खोलता हूँ इसके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट करता हूँ और देखिए ये हैंग कर रहा है, मुझे लग रहा है नॉर्मली एक्सेल शीट इतनी हैंग होती नहीं है। तो कोई और ऐप तो नहीं खुली हुई बैकग्राउंड? ऐप तो नहीं ओपन हो रखी, वैसे ऐप तो देखो तो हल्की फुल्की है ओपन। इसको मैं ट्वीट करता हूँ, अभी है क्लियर है वॉइस मेरी? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए मैं शेप इंसर्ट कर रहा हूँ, अब इसमें अगर मैं रिव्यू में जाता हूँ, रिव्यू में जाने के बाद इसमें चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम बता रहा है। इसमें मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट बता रहा है। अगर हम इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, मुझे लग रहा है आज ये हैंग हो रही है फाइल, क्योंकि देखिए ये भी वर्क नहीं कर रहा है। इसको चलो हाँ, इसको भी अगर नेक्स्ट करते हैं, इस पे आते हैं न्यू कमेंट पे। न्यू कमेंट पे जैसे ही हमने आए तो इसमें ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि हम इस पे कोई भी कमेंट टाइप कर सकते हैं। हमको लगे कि ये अरोमा है, ये मान लो किसी पर्सन का नेम है, तो इसने पैन नंबर है सबमिट नहीं किया है, तो पैन नंबर इज नॉट सबमिटेड, तो हमने इसमें एक रिमार्क डाल दिया।
अगर हमको इसको एडिट करना है, यहाँ से फिर से एडिट कर देंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एडिट करने का। अगर हमको डिलीट करना है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। सर हमको इसे अगर ऐड कैसे? ऐड, हमने यहीं से किया था, जैसे हम न्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो न्यू कमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर। रिव्यू में हमने पहले स्पेल चेक किया था, उसके बाद डिक्शनरी में गए थे, उसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपरली। उसके बाद हम न्यू कमेंट में आए, न्यू कमेंट में जैसे ही हमने क्लिक किया, ये फिर से नया कमेंट आ गया। ओके ठीक है। तो अमित कुमार है, कुछ अगर कमेंट लिखना चाह रहा है, कुछ भी कमेंट लिखना चाह रहा है, वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, और इसको हाइड कर सकता है। हमने हाइड कर लिया, अभी हमने हाइड कर दिया इसको, कमेंट को हमने हाइड कर दिया। ये ऑप्शन आ रहा है शो एंड हाइड कमेंट। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये हमको शो करेगा, और जैसे ही हम इसमें से हटा लेंगे, ये फिर से हाइड हो जाएगा। अगर हमको परमानेंट हाइड वो शो करना है इसको, तो हमको शो ऑल कमेंट करना है, या हमको इस पर करना है हाइड कमेंट पे। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। ये शो हो गया, हाइड हो गया। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट पे हमको जाना है, हम नेक्स्ट पे आ गए। प्रीवियस में जाना है, हम प्रीवियस में आ गए। और हमको अगर ये डिलीट करना है कमेंट, तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल था। अच्छा इसके बाद हमने प्रोटेक्ट शीट वाला हमने देख लिया था, प्रोटेक्ट शीट वाला हमने देखा था ना। या फिर से बताऊं, नो सर। प्रोटेक्ट शीट के बाद हमने पहले क्या पढ़ा था, एक प्रोटेक्ट सेल पढ़ा था, प्रोटेक्ट शीट देखा था। प्रोटेक्ट सेल में तो ये था कि मान लो आपको ये पर्टिकुलर सेल करनी है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट शीट में क्या देखा था हमने कि हमको ये जो व्यू वाला है, ये शीट हमको प्रोटेक्ट करनी है, बट हमको पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी है। वर्कबुक, वर्कबुक में क्या आता है, ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट करना है, ये वाला एरिया हमको प्रोटेक्ट करना है कि हम कोई भी इंसर्ट नहीं कर पाए, कोई रीनेम नहीं करना चाहे। जैसे रिव्यू, जैसे व्यू का नेम हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, सैम्पल का नेम हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, या न्यू फाइल है, इंसर्ट न्यू शीट है, वो इंसर्ट कर सकते हैं। बट हम ये चाह रहे हैं कि ये वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो हमको प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक करेंगे, और ये फॉर पूछ रहा है कि पासवर्ड इंसर्ट कीजिए। तो हम कोई भी पासवर्ड 1234 और वेरीफाई 1234 हमने पासवर्ड डाल दिया। अब जो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पे हमको टिक रखना है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट कर देगा। अब देखिए, अब ये हाइड अनहाइड भी नहीं कर सकते हम, रीनेम भी नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है रीनेम करने का, न हम इसको इंसर्ट कर सकते, हम इंसर्ट का भी ऑप्शन नहीं है, डिलीट का भी ऑप्शन नहीं है, रीनेम का भी ऑप्शन नहीं है, हाइड एंड हाइड का भी ऑप्शन नहीं है। बट हम जो इसके इनसाइड है वो कोई भी डेटा हम टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी प्रोटेक्ट किया है वो शीट को प्रोटेक्ट नहीं किया है, हमने ओनली प्रोटेक्ट किया है इसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया है, या बोल सकते हैं वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया ओनली। अगर हमको फिर से इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाना है, तो 1234 फिर से हम टाइप करेंगे। अगर अब देखिए, तब वर्कबुक का मतलब ये होना जितनी भी सारी शीट वगैरह सब कुछ। हाँ, बस शीट से रिलेटेड है कि शीट को अगर हमको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या कोई कलर चेंज करना है, या हाइड एंड हाइड करना है, वो सारा ऑप्शन है, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इसके लिए हम एक बार न्यू इंसर्ट करते हैं। न्यू फाइल इंसर्ट करते हैं। अभी हमारी न्यू फाइल इंसर्ट हुई है। व्यू फाइल इंसर्ट होने के बाद हम रिव्यू में आएंगे। रिव्यू में आने के बाद हम लिखेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं।
अब सेव करने के लिए पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, हमको डेस्कटॉप पे करना है सेव। डेस्कटॉप पे हमको सेव करना है रीड ओनली ऑप्शन में हम गए, मतलब कि हमने रीनेम कर दिया रीड ओनली, वो सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद हम रिव्यू वाले ऑप्शन में गए, उसके बाद ऑलवेज ओपन रीड ओनली, जैसे हमने इस पर क्लिक किया अभी रीड ओनली, अभी इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही हम इसको फिर से ओपन करेंगे रीड ओनली में ओपन हो गई। इसको हम अभी सेव कर दिया और इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब जैसे ही हमने सेव किया था ये फाइल हमने सेव की ये वाली, अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे ही हमने ओपन किया इसको, अब ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ओपन रीड ओनली, ये पूछ रहा है कि रीड ओनली ओपन करना चाह रहे हैं नहीं, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ हमको रीड ओनली ओपन करना है। तो जैसे ही हमने रीड ओनली ओपन किया तो हम ये क्यों ओपन करना है, कई बार मान लो हमने कोई वर्क किया और हमको बस कोई वर्क है वो चेक करना ओनली, हमको एडिट नहीं करना, ठीक है, तो हम बस रीड ओनली में ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है, हम चेक करके इसको क्लोज कर देंगे। तो हमको ये डर नहीं रहेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि हमने गलती से कोई माउस है या किसी से हमने कोई डिलीट हो गया हो गलती से, या फिर हमने कोई टाइप किया ए टाइप किया ए से कोई डेटा है इंपॉर्टेंट डेटा है वो डिलीट हो गया हो, तो हमको बस रीड ओनली अगर चेक करना तो रीड ओनली में हमने ओपन कर लिया इसको, तो इस पर हम इसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो सेव करने के लिए बोल रहे हैं वी कैनॉट सेव रीड ओनली। तब कहाँ से रीड ओनली होता है ये मैं फिर बताता हूँ आपको, इसको अभी मैं फिर से नॉर्मल कर लेता हूँ। अच्छा आवाज़ हो जाएगा, देख लिया मैं, फिर से बताऊँ? नहीं सर समझ गया, तो जो ऊपर बटन से उन पे क्लिक करना है। हाँ, तो जैसे हम आ गए समझ। जैसे हम रिव्यू में गए थे तो ऑलवेज ओपन रीड ओनली में हमने क्लिक किया था, तो क्लिक करके हमने क्लोज कर दिया था उसको, वो फिर से हमने ओपन किया तो वो फिर हमको हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा था कि आपको रीड ओनली में ओपन करना है यस, या रीड ओनली में ओपन नहीं करना है। अब देखिए हम फिर से इसको ओपन करते हैं, अब ये फिर पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ओपन रीड ओनली, तो हमने यस किया था तो रीड ओनली ओपन हो गया, अगर हम नो करेंगे तो ये नॉर्मल में ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसको सेव कर सकते हैं, ये सेव हो गया, यहाँ से ये सेव हो गया। अब फिर से इसको अगर ओपन करेंगे अभी फिर पूछ रहा है, ठीक है इसको हम नो करते हैं, अब हमारा ये सेव हो चुका था। अगर हमको परमानेंटली इसको यहाँ से इस ऑप्शन को हटाना है तो फिर से हम इसको क्लिक कर देंगे, अब ये हट गया है, अब ये फिर से ओपन जब हम इसको करेंगे फिर से ऑप्शन नहीं पूछेगा, इसको हमने क्लोज किया। अब फिर से अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं अब देखिए जैसे ही हमने इसको ओपन किया फिर से इसने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि हमने जो यहाँ रिव्यू वाले ऑप्शन में इसको अनटिक कर दिया, तो हमारे रिव्यू वाला भी कंप्लीट हो गया। मेरी वॉइस है सबको क्लियर? यस सर। ओके सर, इसके बाद हम करेंगे इंसर्ट, इसको हम क्लोज करते हैं पहले। आज कुछ ज्यादा ही हैंग हो रहा है मुझे लग रहा है, देखिए मुझे इलाज करना पड़ेगा इसका। अब हम आते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट वाले ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन आता है। इंसर्ट वाले ऑप्शन में हमने पाइवट टेबल कर लिया था, ये जो टेबल वाला ऑप्शन है ये कुछ नहीं है, बस इसको अगर हम फिर से टेबल अगर चेंज करना चाह रहे हैं डिजाइन वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं
डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये तो बताने लायक है ही नहीं। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम पिक्चर इसको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर फ्रॉम फाइल। अब यहाँ से अगर आपको कोई भी पिक्चर दिखे, डेस्कटॉप से देख लीजिए, फिर डॉक्यूमेंट में आइए, डॉक्यूमेंट में जैसे अगर कोई पिक्चर है इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए ये एक स्क्रीनशॉट था हमारा, तो ये पिक्चर इसके अंदर हमको शो कर रही है। अगर हमको इसको स्मॉल करना है, हम इसको एडिट कर लिया, हम मान लो कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमको अगर रिक्वायरमेंट है कि कोई पिक्चर हमको यहाँ पर शो करे, यहाँ पर शो करे, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। कोई इसका कलर हमको चेंज करना हो, ब्राइटनेस चेंज करना हो, ये सारे ऑप्शन हैं। तो ये जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप कर सकते हो उसमें। इसमें कोई बैकग्राउंड लगाना हो या फिर से चेंज करनी हो पिक्चर, या कोई ट्रांसपेरेंसी है वो इसकी चेंज करनी है, ये इसका जो बॉर्डर बनाना है, इसको बस ये फॉर्मेटिंग के लिए है बस। अब देखिए इसका बॉर्डर बन गया, बॉर्डर का कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है, नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन जो हमारा है वो सेव। हमको कोई भी सेव अगर इंसर्ट करना है, कोई भी सेव इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमको ये एरो का करना है। एरो का क्या है रिक्वायरमेंट, जैसे हमको कोई हाईलाइट करना है, ये वैल्यू हाईलाइट करनी है हमको, तो हमने देखो ये इंसर्ट कर दिया। तो कोई भी हमको अगर प्रेजेंटेशन देनी है, अगर हमको बॉस को अगर बताना है कि हमको ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अगर हमको इसको चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमको रिक्वायरमेंट हो एडिट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, कोई भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमको लगे कि हमको रिक्वायरमेंट है दूसरे शेप की, फॉर एग्जांपल देखिए इसमें कितने सारे शेप हैं, हमको जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे फ्लो चार्ट लेना वगैरह, हाँ, तो जैसे हमको रिक्वायरमेंट हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया, अमित कुमार, तो अगर हमको कोई फ्लो चार्ट या प्रेजेंटेशन या कुछ भी बनानी हो तो आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हो सेट सारे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये, देखिए क्या है, आपको ये लिस्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई प्रोसेस या कोई सर्कल या कोई हायरार्की, वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस स्टैटिक आ रही है, वॉइस कम आ रही है मेरी? नहीं सर, वॉइस तो कोई वाइब्रेट क्या हो सकता है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, फोन ही मैंने उठा दिया। इसको एक बार बंद करो, चार्जिंग मेरा लगा हुआ था, चार्जिंग उठा दिया। मेरी वॉइस क्लियर है अभी? यस सर। अब देखिए यहाँ पर हरार के आ रहा है,
आप, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे मैंने इंसर्ट किया, जैसे मान लो आप अगर एचआर में हो तो आपको एक डायग्राम बनाना है, हायरार्की बनानी है कि सबसे ऊपर बॉस कौन सा है, उसके नीचे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन वर्क करता है। तो जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, हमने यहाँ लिखा फाइनेंस, हमने यहाँ फाइनेंस लिख दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख दिया। उसके बाद फाइनेंस सेक्शन में मान लो तीन है, तीन लोग हैं, अमित, सुमित, मोहन, ठीक है। उसके बाद हमको इंसर्ट करना है फर्दर, तो हमको ऐड सेव आफ्टर, हमको एक इंसर्ट करना है कि नहीं, इसमें तो एक पर्सन और था तो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, सोहन को इंसर्ट कर दिया। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, इसमें राइट क्लिक करके हमको फिर से ऐड करना है, ऐड सेव बिलो, हमने यहाँ पर बिलो कर दिया कि अमित के नीचे कौन वर्क करता है, तो अमित के नीचे है राम। फिर हमने लिखा कि सोहन के नीचे कौन वर्क करता है, मीन्स कि सोहन के सेक्शन में, सोहन के डिपार्टमेंट में कौन है, ठीक है। इसमें मान लो एक्स वाई जेड कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो हमको अगर चार्ट बनाना हो, कोई भी हायरार्की बनाना हो, इसको फर्दर हम ऐड करते हैं, नीचे कर सकते हैं, या फिर हमारे पास देखिए और बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे डिज़ाइन हैं हमारे, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो। ऐसे सिंपल ही रखें तो सही है। तो इसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, कौन सा सेव आपको अगर इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हायरार्की के बाद अगर कोई आपको ये पिरामिड करना है, ठीक है, ये ओल्ड वाला है, हम डिलीट कर देते हैं अभी। उसके बाद हम फ्यू इंसर्ट कर रहे हैं, न्यू इंसर्ट कर रहे हैं हम पिरामिड, इस पे देखिए हम कुछ इसमें डेटा डाल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, फिर होम पे आए, हम फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका, हमने फॉन्ट है इसका थोड़ा छोटा कर लिया। इस शेप को हम चेंज भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये देखिए ये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको लगे कि नहीं, मुझे जो प्रेजेंट करना है मुझे इस शेप में करना है, या कोई बोले कि नहीं मुझे प्रेजेंट करना है वो सेकंड वाले शेप में करना है, तो आप यहाँ से ऑप्शन में जा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, या कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो, या कोई रिलेशनशिप इंसर्ट करनी हो, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, इस एरो को भी डिलीट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये वाला ऑप्शन है, ये कोई वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। इसके बाद हम आते हैं चार्ट्स में, चार्ट्स में आने के लिए हमको पहले मान लो सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास चार्ट्स के नॉर्मली
टू चार्ट्स है वो यूजफुल ज़्यादा होते हैं, एक तो है कॉलम वाले और एक है लाइन वाले। कॉलम वाले में फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, मेरी वॉइस क्लियर सबको? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, तो मैंने जैसे पार्टी नेम आपके सामने है वो, उसका कुछ बेसिक अमाउंट है, तो हम इसका एक चार्ट बना रहे हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक चार्ट इसका बन गया है। इसमें देखिए अगर हम इसको सेल देखना चाहिए कि सुमित ने इतनी सेल की है, अमित ने इसे डबल की है, मोहन ने देखिए 94,000 की है, फिर सोहन ने, राजेश ने देखिए सबसे ज़्यादा की है, तो आपको एज ए चार्ट की तरह ये प्रेजेंट कर देगा। अब इसमें भी बहुत सारी डिजाइन्स हैं, ये देखिए अगर चार्ट्स में आपको अमाउंट भी चाहिए इसका, देखिए अमाउंट भी आ गया। अगर आपको इसमें चेंज करना है, यहाँ से आप एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं चार्ट्स के, प्राइमरी वर्टिकल, इसमें देखिए अमाउंट आ गया। इधर पहले अमाउंट नहीं आ रहा था, तो हमने ऐड चार्ट एलिमेंट में गए और एक्सेस में जाके प्राइमरी वर्टिकल किया, तो हमारे पास अमाउंट आ गया है, तो हमको कंपेयर करने में थोड़ा इजी हो रहा है। अगर हमको फिर से इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे इसका जो चार्ट का जो टाइटल है वो ऊपर दिखा रखा है, अगर हम इसको सेंटर करना चाह रहे हैं, ये देखिए ये चेंज हो गया थोड़ा, ये इसको हम हटाना चाह रहे हैं, ये हट गया यहाँ से, इसको रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है लेबल्स, लेबल्स इनसाइड बेस में रखना हमको, ये देखिए नीचे आ गए बेस जितने भी लेबल हैं। अगर हमको चेंज करना है आउटसाइड एंड रखना है, आउटसाइड एंड में हमको ऊपर आ गए लेवल ये। अब इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेवल का कलर चेंज करने का ऑप्शन ये देखिए, ये सारे ऑप्शन है। ये सारे कलर वाले ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको कोई गाइड मतलब कि ग्रिड लाइन शो करनी है, यहाँ पर जैसे ग्रिड लाइन है तो ऑटोमेटिक ग्रिड लाइन ऐड हो गई इसमें। अगर हमको कुछ और ऐड करना है इसमें, इसका अगर लेआउट है थोड़ा चेंज करना है, इसका लेआउट थोड़ा चेंज हो गया। अगर इसका कलर चेंज करना है हमको, यहाँ से कलर चेंज हो गया, फिर कलर चेंज करने के बाद भी फिर ये फिर से सारे ऑप्शन बता रहा है। अगर आपने कलर चेंज करने के बाद भी अगर इसमें कोई ऑप्शन और चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट वाला ऑप्शन ही है। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में देखिए इसका कलर है थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया हमने, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है थोड़ा, यहाँ पर चेंज किया थोड़ा। इसमें अगर कोई हमको इंसर्ट करना है तो इसमें शेप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो चेंज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी सर जो हमने साइड में वैल्यूज लिखी हुई है इसके हिसाब से हम चार्ट बनाएंगे, अपने आप एडजस्ट कर लेगा ना वो? हाँ चेंज कर लेगा। ओके ये क्वेश्चन। ये देखिए जैसे हमने कंट्रोल एस किया, हमने यहाँ पर 1 लाख टाइप किया है, 1 लाख ये टाइप फिर करने के वो बाद जैसे ही हमने कंट्रोल एस सेव किया, ऑटोमेटिक इसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमको अगर चेंज करना है, पहले
पैनलेक किया हमने। पैनलेक करने के बाद हमने सेव किया, ये देखिए चेंज हो गया है। जी सर। तो ये सब फॉर्मेटिंग वाला एरिया है, मतलब कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, एक ऑप्शन आता है, इसको मैं डिलीट कर दिया मैंने। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है आपका कि इस चार्ट को आप एज ए लाइन भी कर सकते हो। वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट प्रैक्टिकली आपको नॉर्मली चार्ट्स में आपको प्रेजेंट करना होता है या फिर लाइंस में प्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर लाइंस में कर रहे हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने जैसे अभी लाइन इंसर्ट की, अब देखिए ये चार्ट लाइन में आ गया। अब इसके भी बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, ये देखिए लाइंस के ऊपर आपको अमाउंट भी चाहिए, अमाउंट भी शो कर रहा है। तो इसके आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, या कोई आइटम इसमें ऐड करना चाहें। यहाँ पर देखिए ये ऐड हो गया, यहाँ पर अमाउंट ऐड हो गया। ग्रिड लाइन चेंज करना चाहें, इसका कलर चेंज करना चाहें, ये सारे ऑप्शन है इसमें। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है इसका, एक आता है ट्रेंड। वन सेकेंड, ये तो हमने चार्ट देखा था। अभी एक ऑप्शन आता है इसका ट्रेंड चेंज करना, कि कोई भी अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको चेंज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखिए इसको स्पार्क लाइंस बोलते हैं, इसमें ये ऑप्शन आएगा इंसर्ट में। अगर हम इंसर्ट में जाएंगे इसमें देखिए स्पार्क लाइन, ये तीन ऑप्शन है इसमें। इसमें देखिए ये वैल्यू है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें वैल्यू स्लाइटली चेंज हो रही है। 25, 26, फिर 27, फिर 26, 24, 25, 24। अगर हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है तो हमने इस पर क्लिक किया और ये पूछ रहा है सेलेक्ट ए डेटा रेंज, डेटा रेंज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और एंटर टाइप किया। अब देखिए ये एक ट्रेंड दिखा रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे अगर हमें एक्सेल में हमारे पास लाइक कोई डेटा है और उसका हमें प्रिंट आउट निकालना होता है, तो सर क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइक वर्डिंग है वो आगे पीछे हो जाती है। जैसे डेबिट में जो अमाउंट आ रही है, मान लो कोई सर बैंक स्टेटमेंट है किसी उसकी कंपनी की, तो जो डेबिट में अमाउंट आ रही है और जो मतलब क्रेडिट साइड आ रही है वो आगे पीछे हो जाती है। आप आप एक्सेल की बात कर रहे हैं या वर्ड की बात कर रहे हैं? एक्सेल की बात कर रहे हैं ना? एक्सेल। यस। तो एक्सेल में सर वो अलग अलग हो जाती हैं थोड़ा आगे पीछे। हाँ हाँ। तो अगर हमें जैसे प्रिंट निकालना है कि सही अमाउंट सही जगह है एक्सेल से, हाँ, तो वो कैसे करेंगे? नहीं तो इसमें तो ऐसी तो प्रॉब्लम कभी नहीं आती। वैसे एक्सेल में मैं जो पेज लेआउट वाला ये ऑप्शन है ना आपको, पेज लेआउट वाला ऑप्शन, यस सर, हाँ, तो ये एक्चुअल में प्रिंट से रिलेटेड है, पूरा एरिया प्रिंट से रिलेटेड है। या कंट्रोल पी से कस्टमाइज भी कर सकते हो। हाँ, तो इसमें इसमें जितना भी आपको आपको मैं एक क्लास लूंगा इसकी, ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो वैसे तो ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं आई, क्योंकि जो भी हम सेलेक्ट करते हैं ये जितना भी एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम हमारे पास ये ऑप्शन पूछता है। हाँ सर, ये है ना कि आपको अगर एक्टिव शीट रखना है या कोई सिलेक्शन रखना है, ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन पूछता है। बट ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी अगर हम जब पेज लेआउट वाला जब इसका ऑप्शन पे हम आएंगे तो उस पर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके सर। चलिए हम इस पर चलते हैं लास्ट में। अब देखिए एक ट्रेंड दिखा रहा है। अब देखिए पहले 25 था, फिर 26 हुआ, तो ये ट्रेंड दिखा रहा है कि ये थोड़ा अप हुआ है। उसके बाद 27 हुआ, बहुत ज़्यादा अप हो गया, फिर 26 हुआ तो फिर नीचे अप हो गया,
फिर लास्ट में 24 है तो सबसे नीचे आ गया। तो आपको बस ये स्मॉल चार्ट बोल सकते हो, स्मॉल चार्ट बोल सकते हो, छोटा सा चार्ट, वो आपको एक बस एक सेल के अंदर आ जाएगा। तो आपका एक क्विक रिव्यू बोल सकते हो कि भाई हाँ हमको ट्रेंड देखना है कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। या फिर एक ऑप्शन इसका ये है कि इंसर्ट में जाके सेकंड ऑप्शन है कॉलम का, कॉलम वाले ऑप्शन में हम जाएंगे। अब देखिए ये ऐसे शो कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो आपको ना इसमें अगर इंसर्ट करना है तो लाइन इंसर्ट कीजिए, क्योंकि इससे ना डेटा सही से हो नहीं रहा। क्योंकि ये अगर आप इसमें देखेंगे कि 25 है, 25 में यहाँ तक अप हो रहा है, ठीक है, और 24 है, 24 में तो ये एकदम जीरो हो गया, तो कोई भी कंपेयर नहीं कर पाएगा इससे। कोई बोलेगा कि नहीं, ये तो देखो इसके ऊपर आना चाहिए था, 25 और 24 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इतना डिफरेंस क्यों दिखा रहा है। तो एक्चुअल में ये बस शो करने का तरीका है कि आपका ये डाउन हो रखा है, वही अप हो रखा है, बस इतना बता रहे हैं कितना अप हो रखा है, कितना डाउन हो रखा है, ये ज़्यादा नहीं बता रहा। तो आपको इसमें बस यही इंसर्ट करना है, ये वाली लाइन वाला इंसर्ट करना है। उसके बाद अगर हम एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो भी बता देता हूँ, इसको अगर हम इंसर्ट करेंगे और स्पार्क लाइन में जाके विन लॉस वाला करेंगे, और ये लोकेशन पूछ रहा कहाँ करना है, यहाँ हमने लोकेशन सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए अब इसमें अगर ये प्लस है तो ये अप दिखा रहा है, ये माइनस है तो डाउन दिखा रहा है। इसमें ये प्लस माइनस वाले केस में आपको यूज़ होगा, अगर आपको नॉर्मली यूज करना है तो आप ये लाइन वाला यूज़ कीजिए। इंसर्ट में देखते हैं और क्या ऑप्शन है। एक लिंक है, जैसे मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया होगा हाइपरलिंक कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर हमको हाइपरलिंक लगाना है। हाइपरलिंक में ये पूछ रहा है कि आपको क्या इंसर्ट करना है, कोई रेफरेंस इंसर्ट करना है दिस डॉक्यूमेंट, या हमको कोई वेब पेज इंसर्ट करना है, कोई एड्रेस इसमें डालना है, या कोई ईमेल एड्रेस वगैरह कि हम इस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट मेल हो जाए उस पर, वो सारा हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वही है कमेंट, कमेंट वाला तो उसमें आया था, सेम फिर से आ गया, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में हम हाँ जी मैम सिमरन जी सिमरन जी यस सर आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैंने अभी तो कुछ नहीं पूछा। अच्छा, पुराना वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के लिए था। ओके, अब जैसे इसमें हमने इंसर्ट किया था टेक्स्ट बॉक्स, तो हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। सर स्पार्क लाइन कौन सी बार से एंटर होती है? क्या जी? स्पार्क लाइन कौन सी बार से एंटर की थी आपने सर? जैसे हमने इंसर्ट पे आए थे, हम ठीक इंसर्ट पे आने के बाद है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, अच्छा इंसर्ट में स्पार्क लाइन दिखाता है। ये है ना, इंसर्ट में स्पार्क लाइन दिखा रहा हूँ। मेरे नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं समझ नहीं पा रहा। में तो मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है स्पार्क लाइट वाला, कह रहे हैं कि उनके में ऑप्शन नहीं आ रहा है ये वाला। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सर। नहीं, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में ये अगर जिसका विंडो वाला है उसमें भी ऑप्शन है, और जिसका अगर मैकबुक है उसमें भी ऑप्शन है, दोनों में ऑप्शन है, मैंने चेक किया था। आपको मैं बता दूंगा कि विंडो वाले में कहाँ ऑप्शन है। ओके सर, कंटिन्यू। इसमें बस यही है कि हम अगर न्यू कमेंट करना चाहें, न्यू बॉक्स अगर इंसर्ट करना चाहें, प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बॉक्स करके हम, क्योंकि हम कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट
कमेंट वाला अगर इंसर्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, या हमें कुछ इसमें टाइप करना है साइड में रख सकते हैं टाइप करके, ये बॉक्स पड़ा रहेगा साइड में, इसको भी डिलीट करते हैं, एक इम्पोर्टेंट देखते हैं। इसमें एक है हेडर एंड फुटर, ये जब हम प्रिंट वाला बताएंगे तब हेडर एंड फुटर कवर करेंगे। इसमें एक है वर्ड आर्ट, एक्चुअल में हम पहले बचपन में कंप्यूटर सीखा करते थे तो सबसे पहले हमें यही बताते थे कि आपको वर्ड आर्ट बना लीजिए, इसमें आप अपना नेम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बस चेंज कर सकते हैं, मैंने बस थोड़ा ऑप्शन बता दिया आपको, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आज मैं फास्ट फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा फॉर्मूलाज पे है, बस मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन भी आते हैं, ये वाले सारे ऑप्शन आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ये, आप इसमें कोई भी वर्ड की फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, और वर्ड की फाइल इंसर्ट करके डिस्प्ले एज आइकन कर सकते हैं, जैसे मैंने डिस्प्ले एज आइकन ऑप्शन किया और वर्ड फाइल ओपन की और ओके कर दिया, एक न्यू वर्ड फाइल है वो इंसर्ट हो गई। वन सेकेंड, न्यू वर्ड फाइल इंसर्ट करने के लिए बोल रहा, अभी न्यू वर्ड फाइल इंसर्ट हो गई, आज एक्सेल को ज्यादा ही हैंग हो रहा है, वैसे कभी देखा नहीं है मैकबुक में इतना हैंग होता है। मनीष जी कुछ कमेंट करेंगे इस पर? नहीं, एक्चुअल में मैंने क्या, मुझे लग रहा है कि जब मैंने ऑफिस में कुछ मैंने चार्ट्स वगैरह बनाए थे, ठीक है, अब वो मैंने मेल किया और मैंने फिर यहाँ पर डाउनलोड करके इसको ओपन किया, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से कुछ ना कुछ लिंक अभी भी है, तब ये हैंग हो रहा आज। सर ऐसे तो नहीं होता है, एक्सेल कोई इतनी सारी रैम छोड़ना पड़ता है? नहीं, एक्चुअल में मैंने फॉर्मूलाज वगैरह लगाए थे उसमें, तो कहीं ऐसा नहीं है कि फॉर्मूलाज जैसे मैंने वहाँ लगाए थे तो उससे कहीं ना कहीं लिंक कर रहा हो? नो सर, क्योंकि जैसे जहाँ मैंने चार्ट बनाया था तो उस पर मैंने फॉर्मूला बार में देखा था, यहाँ पर मैंने चेक किया था तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला लगे हुए थे, ठीक है, तो उसमें जो ऑफिस के नेम है वो भी दिखा रखे, तो मैंने उसको डिलीट करके फिर से ओपन किया, बट उसमें फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। कोई नहीं सर, संडे को दिखा देना अगर जाएगा। बट ये शायद नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसे वाईफाई है। कोमल जी सर के लैपटॉप में हैंग हो रहा है। सारी विंडो हैंग हो रही है। नहीं, ओनली एक्सेल की फाइल, चलो ये भी एक्सेल की फाइल है, इसको अगर हम क्लोज करें, क्लोज होगा नहीं, फंस जाएगा। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ रह नहीं गया, मोस्टली कंप्लीट हो गया। इसमें वैसे बता देता हूँ कि जैसे हमने वर्ड फाइल ओपन की तो वर्ड फाइल का एक आइकन यहाँ दिखा देगा, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, हम जैसे हम वर्ड फाइल पे कोई भी हम टाइप करेंगे तो उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी और हम सेव कर सकते हैं उसको, या लिंक हो जाएगा, एक वर्ड फाइल का एक लिंक बन जाएगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पर है एक सिंबल वाला कि जैसे भी स्माइली या कोई थम्स अप वाले जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे इसमें ओपन हो जाएंगे, और इसमें कुछ भी नहीं है। इंसर्ट में बस ये कि आप आइकन, पिक्चर्स और जितने भी लिंक वगैरह, चार्ट्स, स्पार्क लाइन, जितने भी आप बस इंसर्ट कर सकते हो, इतना ही ऑप्शन है इसमें। तो आज हमने जैसे इंसर्ट वाला कवर किया है मोस्टली, जो इस वाले एरिया में बस ये पाइवट टेबल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो पाइवट टेबल हमने अलग से ही कवर कर लिया था। उसके बाद हमने रिव्यू वाला देखा और व्यू वाला देखा, तो उसमें भी इतना कुछ खास था नहीं। एक्चुअल में कल हम फॉर्मूला पे आएंगे, मैन तो इसमें एक्सेल में फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला भी पहले हम इफ़ फंक्शन वाले फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि इफ़ वाले फंक्शन वाले फॉर्मूले 5 to 6 फॉर्मूला ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
सर एक काम करना, एक बार इसको लैपटॉप को रिस्टार्ट करके देख लो। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा कुछ। हाँ मेरे को पता नहीं मैकबुक में बैटरी लगती लग गई, अगर बैटरी लगती है तो बैटरी को एक बार रिमूव करके ना 10 सेकंड के बाद फिर लगाइए, फिर देखिए। मुझे तो पता नहीं, चलिए चेक करते हैं। आप बताइए कुछ क्वेरी हो तो। आज तो मोस्टली हमारा चार्ट से रिलेटेड ही था, और हमने जैसे स्पेलिंग वाला देखा था कि स्पेलिंग वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। यस सर, चलिए फिर एंड करते हैं आज। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। ओके गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।